लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी गर्मी तेज हो गई है। जी हां, चुनावी बयार बहने लगी है और शुरुआत संथाल परगना से की गई है। संथाल को वो जगह माना जाता है जहां से सत्ता की सीट तय होती है। फिलहाल लोकसभा चुनाव है, संथाल की 3 सीटों पर बिगुल फूका जाना है, 3 सीटों पर किस्मत आजमाएगी एनडीए और आईएनडीआईए। और आज संथाल से बिगुल फूक दिया है, एक तरफ राज्य के कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने, तो दूसरी तरफ आदिवासी संकल्प यात्रा के नाम पर बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल, मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हम आज बात करेंगे संथाल की सियासत पर। संथाल में सियासी गर्मी तेज हो गई है, जहां एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से उन्होंने आज जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी बरहेट पहुंचे और उन्होंने आदिवासी विकास यात्रा की शुरुआत की है। देखना है दोनों नेताओं ने बिगुल फूका है, किसकी बिगुल जनता पर ज्यादा प्रभाव डालती है, यह देखना रोचक होगा। देखिए एक रिपोर्ट। मिशन 2024 सरकार लूटने में सरकार लगी हुई। मिशन 2024 के लिए संथाल से शंखनाद, संथाल फतह की कोशिश में जुटे सभी दल। सरकारी कार्यक्रम के जरिए सीएम की हुंकार, आदिवासी अधिकार यात्रा पर निकले बाबूलाल। संथाल को झारखंड की राजनीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ऐसे में मिशन 2024 में जुटी सभी पार्टियां संथाल फतह की कोशिश में जुट गई है। सरकारी कार्यक्रम के बहाने सीएम हेमंत सोरेन फिर से संथाल के वोटरों को साधने में जुटे हैं। इस दौरान सीएम ने विपक्ष को न सिर्फ बेईमान करार दिया, बल्कि बीजेपी को राज्य के साथ देश की कुर्सी से भी गिराने और उखाड़ कर गुजरात फेंकने का आह्वान किया है। अब राज को राज, अब देश की कुर्सी से भी इनको धकेल के गिराना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों वाले संघों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। ये लोग तो अब ईडी सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है, और इसको लगता है कि ईडी सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। 2019 में बीजेपी ने संथाल की 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कमल मुरझा गया था। ऐसे में संकल्प यात्रा के बाद अब बाबूलाल मरांडी आदिवासी अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जिसकी शुरुआत सिद्धू कानू की धरती से हो रही है। बाबूलाल ने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा किया। मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोकसभा के इस समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी तैयारी हो जाती है। वर्तमान तो लूटने में सरकार लगी हुई है, चारों तरफ लूट मची हुई है भाई, बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, जमीन हो, ये सब लूट ही लूट है चारों तरफ। संथाल परगना में लोकसभा की 3 सीट, विधानसभा की 18 सीट। 2014 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जेएमएम का जीत, 3 सीटों पर हाथ हुआ था मजबूत, 2 पर जेडीएम का कब्जा। 2014 के चुनाव में संथाल की 7 सीटों पर खिला था कमल, 2019 में संथाल में मुरझाया कमल, सिर्फ 4 सीटों पर मिली जीत। 2019 में प्रदीप यादव को मिलाकर जेएमएम कांग्रेस को मिली थी 14 सीटें। एसटी के रिजर्व सीटों पर करना पड़ा था बीजेपी को हार का सामना। ऐसे में 2024 में संथाल फतह के लिए बीजेपी फिर से आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेएमएम ने कहा है कि 2024 में कोल्हान के साथ संथाल से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। वहीं बाबूलाल मरांडी सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे, जबकि बीजेपी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में राजमहल में भी कमल खिलेगा, वहीं विधानसभा चुनाव में संथाल में बीजेपी मजबूत होकर उभरेगी। कोल्हान में हम लोगों ने 0 पर आउट किया था भाजपा को, इस बार कोल्हान और संथाल परगना दोनों में 0 में आउट करेंगे। जो संथाल परगना में 2-3 सीट मिल गया था, कहीं ना कहीं हम लोगों से कहीं चूक हुई थी, इस बार कोई गलती नहीं होगा, इस बार सुपड़ा साफ। लेकिन हम लोग संथाल में मजबूत स्थिति में रहेंगे और हम लोग का अप्रत्याशित वहां बढ़त रहेगा, चाहे वो लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, गोड्डा तो हम लोगों का है ही, राजमहल में हम लोग किस प्रकार से जीते इसको लेकर हम लोग रणनीति बना रहे हैं, और 2014 का जो हम लोगों का संथाल का परफॉर्मेंस था उसको हम लोग पार करने वाले। झारखंड की सियासत में संथाल की बड़ी भूमिका है,
कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए संथाल जीतना जरूरी है। वही वजह है कि सभी दलों का फोकस संथाल है। मिशन 2024 का शंखनाद संथाल से कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए दुमका से राकेश, साहिबगंज से सुधाकर के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो बिगुल फूका जा चुका है चुनाव का चुनावी बयार, हौले हौले ही सही बहने लगी है। फिलवक्त झारखंड की जो स्थिति है लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 14 में 12 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा है, वहीं 2 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन है, 11 सीटों पर भाजपा है, 1 सीट आजसू के खेमे में है और वहीं 2 सीटों में 1 जेएमएम के खेमे में है और 1 कांग्रेस के खेमे में है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे, हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर आनंद जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है ईश्वर जी आपका। हमारे साथ भाजपा से अशोक बड़ाइक जुड़े हैं, प्रदेश का मीडिया प्रभारी हैं। और हमारे साथ झामुमो से नीलिमा मिश्रा जी जुड़ी है, केंद्रीय सदस्य हैं झामुमो की। नीलिमा जी स्वागत है आपका। सबसे पहला रुख करते हैं ईश्वर आनंद जी का। ईश्वर जी पहला सवाल आपसे, आज संथाल में बाबूलाल मरांडी जी ने आदिवासी विकास यात्रा का बिगुल फूका है। फिलहाल संथाल में लोकसभा की जो 3 सीटें हैं उनमें 2 सीटों पर भाजपा काबिज है और 1 सीट आप लोगों के हिस्से में है। ऐसे में क्या लगता है, क्या फर्क पड़ने जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में? कोई खास फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और इस बार तो देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुए थे अगर लोकसभा की आप बात कर रहे हैं 2019 में, तो पुलवामा बहुत बड़ा फैक्टर था कि एक बाजीगर ने किस तरीके से हमारे 42 जवान शहीद हुए, उसके बावजूद भी उसको उन्होंने मार्केटिंग करके पूरे देश भर की मीडिया का इस्तेमाल करके मार्केटिंग किया और एक विजय हासिल कर लिया। ये एक पानी का बुलबुला था जो हमेशा नहीं रहा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जनता को बरगला कर वोट ले लिया गया? हाँ, एकदम बिल्कुल बरगला करके वोट ले लिया गया और जनता बरगला दी गई। नहीं, बरगला दी गई ना। देखा 2014 में इन्होंने क्या कहा आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। काला धन से लेकर के पेट्रोल डीजल गैस अब बताने की जरूरत है, हजारों लाखों बार बताया जा चुका है। अभी एक छोटा सा आपको एग्जांपल देंगे, यूरिया जो है कांग्रेस के समय में 450 रुपए का एक पैकेट आया करता था, अभी उसका कीमत है 1750 रुपए। तो आप बरगला करके उसके बाद देखिए, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे उस समय, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे, जो उनकी पार्टी के एक अच्छे बड़े नेता हुआ करते थे, उस समय गवर्नर थे, उनका बयान आपने देखा होगा कि क्यों ये पुलवामा घटना हुआ और क्यों उसका किस तरीके से इन लोगों ने मार्केटिंग किया कि भैया आप चुप रहो, और किस तरीके से इन्होंने मार्केटिंग करके चुनाव में जीत हासिल की। अब आप देख लीजिए, उसके बाद तुरंत बाद जो है सो यहां विधानसभा के चुनाव हुए और यहां अभी सरकार किसकी आप देख लीजिए। आने वाला भाजपा का अशोक बड़ाइक से पहला सवाल। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर, रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक, फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। सरकारी कार्यक्रम से आज मुख्यमंत्री ने मंच से निशाना साध दिया है विपक्ष पर। उन्होंने कहा विपक्ष बेईमानों की है, उखाड़ कर फेंक देना है, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अशोक बड़ाइक, देखिए जिसको 5 समन मिला है ईडी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि अच्छे समन मिला है। अब उनके जिस जिला में वो कार्यक्रम कर रहे थे वहां पे दो, पहला समन एसपी को मिला, दूसरा समन भी मिला 28 तारीख को हाजिर होना है। उसी के विधानसभा और उसी के जिला साहिबगंज में उसके उपायुक्त दो बार जा चुके हैं, हाजिरी मार चुके हैं ईडी के यहाँ। उनके विधायक प्रतिदिन उसी जिला से आते हैं जहां से आज वो कार्यक्रम किए हैं। पंकज मिश्रा जी 1000 करोड़ के आरोपी है, कई ऐसे डाउन यादव उनके साथी जो सरकार के सारे पे काम करते हैं, जल जंगल जमीन खनिज को जो खोखला कर रहे हैं, वो लोग उसी जिला से आते हैं। और उस जिला के मंच से खड़ा होकर उस जिला में सरकार के कार्यक्रम में खड़ा होकर बोलते हैं, अगर इस तरह का बयान आता तो मुझे लगता है ये राज्य की जनता उनके ऊपर हंसेगी। दूसरी बात, अपने अभी कुछ दिन पहले अपने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके चमत्कारी आकर्षक और नेतृत्व को आदिवासी समाज ने जिस तरह से उनको स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी के जो संगठनात्मक भाजपा के जो संगठन के आधार पर उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम के आदिवासियों को आह्वान किया था कि आप लोग आइए भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करने देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व, अब बाबूलाल जी के संगठनात्मक जो उनका करिश्माई नेतृत्व के आधार पर जो
आदिवासियों का हुजूम उमड़ा था। अभिषेक जी, मैं तो बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहली बार आदिवासियों का लाखों की संख्या में आदिवासी चारों तरफ अलग अलग समाज के आदिवासी समाज का जो हुजूम देखने को मिल रहा था, इसे ये सरकार तिलमिला चुकी है। ये आदिवासी के राजनीति करने वाले पार्टी आज उनको घूमना पड़ रहा है साहिबगंज या संथाल परगना। उनको पता है कि आदिवासियों का रुझान नरेंद्र मोदी जी की ओर है, आदिवासियों का रुझान बाबू हरमानी जी की ओर है। दूसरी बात करते हैं झामुमो से नीलिमा मिश्रा जी जुड़ी है। नीलिमा मिश्रा जी, ईश्वर आनंद से पूछते हैं एक बार, बाबूलाल मरांडी झाविमो गए, झाविमो में उन्होंने संथाल में अपनी बढ़िया दस्तक दी, झाविमो में विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़िया दस्तक दी, उसके बाद अब लौटकर फिर से भाजपा आ गए हैं, भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, आज आदिवासी विकास यात्रा की शुरुआत के लिए उन्होंने बरहेट क्यों चुना? ईश्वर जी देखिए, सत्ता हाथ से जा चुकी है, बाबूलाल जी को अब उनका वो सब बयान तो हम याद दिलाएंगे नहीं कि हम कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे लेकिन हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, क्षमा चाहेंगे मेरे मुंह से कांग्रेस निकले, मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। वही बाबूलाल जी अब जो है सो आदिवासियों के बीच जा रहे हैं और अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रहना गवारा नहीं, वो सत्ता से अलग नहीं रह सकते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि जिस मुख्यमंत्री को छह छह सम्मान आया है, भैया हमको ये नहीं समझ में आता है कि ईडी जो है वो आसाम का रास्ता क्यों भूल जाती है, क्यों जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उन्हीं के मुख्यमंत्रियों को ईडी का सम्मान जाता है। दूसरी बात, ईडी को हिम्मत तो नहीं हुआ अभी तक कि उनको गिरफ्तार कर ले, सम्मन पे सम्मन भेज रहे, दबाव बना रहे। केंद्रीय एजेंसियों की बात हमेशा होती है, ईडी की बात अभी हमेशा हो रही है, लेकिन आपको याद होगा कि सीबीआई को भी पिंजरे का तोता कहा गया था 2014 से पहले, उस समय सरकार आप ही की थी। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि वो कितनी ईमानदार सरकार थी, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि संसद भवन से ए राजा और कनिमोझी को उठा के सीधे जेल में डाल दिया गया था। उस समय सरकार में मंत्री थे ए राजा, कनिमोझी सांसद थी। आपको ये इन बातों को नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, तभी तो सरकार में शामिल जो मंत्री उनको टेलीकॉम घोटाला के उसमें कुछ निकला नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, उसमें हुआ कि घोटाला नहीं हुआ था, वो तमाम तरह के खेल किए गए थे उस समय, बताने की जरूरत नहीं, आप सुलझे हो पत्रकार। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, अजीत पवार के बारे में क्या कहना था, मोदी जी ने आदरणीय मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था आपको याद है ना, अमित शाह जी ने क्या कहा था, तो वहां ईडी क्यों नहीं जाती है? जांच चल रही है, मामला कोर्ट में नहीं, आपने सवाल किया है तो आपको ये बता दें। I'm sorry to say, नहीं वो खत्म कर दिया गया, सुपरविजन में उसको जीरो कर दिया गया, आज तक ईडी का कुछ कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता, केवल जो गैर भाजपा नहीं सरकार है। आपको क्लियर कर दूं यहां पे, ये मामला अभी जांच में है, हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, असम विश्वास जरूर शामिल हो गए हैं भाजपा में, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन कार्रवाई तो अच्छा, बंगाल में भी नहीं हो रही है। पार्टी ने एक आरोपी को आरोपित है ना, आप मानते हैं ना कि वो जी बिल्कुल अभियुक्त है जी, अभियुक्त को मुख्यमंत्री बनाना कौन सा ये? अशोक बराइक जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ईडी की छापामारी कराती है, दूसरी तरफ आरोपी को मुख्यमंत्री बनाती है, झारखंड में भी कुछ ऐसी रणनीति तो नहीं अपनाई जा रही? देखिए जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी को इनकी मनमोहन जी की सरकार और सोनिया गांधी के सहारे पे चलने वाली सरकार, वो सभी देख चुके हैं कि किस तरह से एजेंसियों का इन लोग बोलते हैं ना अपने पंगू बना के रखे हुए थे, अपने सारे पे अपने काम कराते थे। अभी मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा ईडी को, ये लोग पानी पी पी के गाली देते हैं, इस देश के सरकारी संपत्ति को लूटने वाले लोग, इस देश को खोखला करने वाले लोग, इस देश के आम नागरिकों का हिस्सा निवाला खाने वाले लोग के पेट में प्रहार तब होता है जब ईडी 751 करोड़ रुपया इनके कांग्रेस के नेताओं सोनिया गांधी राहुल गांधी जी का कौन सा राज राज परिवार का जो पीछे भेजने का काम कर रही है, अब चुनाव में राजा परिवार के क्या आप बताए ना, नरेंद्र तोमर का वीडियो आपने देखा? पहले नरेंद्र तोमर पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले नीलिमा जी हमसे जुड़ी हुई है, नीलिमा जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। सरकारी कार्यक्रम के तहत आज ये कहना चाहूंगी जी, पहले मेरे नाम को आप सुधारिए, मेरा नाम डॉक्टर नीलम मिश्रा है, नीलिमा नहीं है, ठीक है? अच्छा चलिए क्षमा प्राप्ति हूँ, डॉक्टर नीलम मिश्रा झामुमो से है, हम उनका स्वागत करते हैं। नीलम जी अब आप तक आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां एक सरकारी कार्यक्रम से
करीब करीब चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने भी आदिवासी विकास यात्रा के नाम पर पहला चुनावी कदम उठा लिया है। संथाल का गणित क्या होने जा रहा है झामुमो के लिए? देखिए, जहां तक आप लोग को ये लग रहा है कि ये चुनावी बिगुल फूंका गया है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री शुरू से ही जो भी उनका जनता के प्रति जो वादा किए थे संकल्प पत्र में, चुनाव के समय में जो कुछ भी उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था, कट गया। मैं बोलती रहूं क्या? जो भी वादा किया था वो लगातार अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, लगातार अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और जनता से किए गए एक एक वादे को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से उसमें जुटे हुए हैं। अब इसको आप लोग लोकसभा चुनाव का तैयारी बोले या विधानसभा चुनाव का तैयारी बोले, जनता से किए वादों, जनता से किए वादों को निभाने के लिए नीलम जी, जनता से किए वादों, जनता के लिए काम करना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सवाल है बाबूलाल मरांडी जी का, तो देखिए उनके बारे में चर्चा करना हमको नहीं लगता है कि ज्यादा समय उनके लिए देना उचित होगा, क्योंकि वो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बाबूलाल मरांडी जी का अस्तित्व नीलम जी आपसे संपर्क कट गया था, लेकिन आपकी आवाज हम तक आ रही थी। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब बात जनता के कल्याण की है तो फिर मंच से विपक्ष पर निशाना क्यों साधा सीएम ने? देखिए, विपक्ष पे निशाना साधना मतलब विपक्ष पे निशाना साधना एक मजबूरी भी होता है, क्योंकि आप देखते होंगे आने वाले समय में एक मजबूरी भी रहता है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि लास्ट 20 साल से झारखंड में जो भी सत्ता का बागडोर बीजेपी वालों ने संभाला और झारखंड को किस तरह से गर्त में लेके गए हैं, मतलब झारखंड को विकास की ओर जिस प्रकार से गति देना चाहिए था वो बिल्कुल नगण्य रहा, और उस ओर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास आ रहे हैं। पहले ईश्वर जी से जानना चाहेंगे, ईश्वर जी झामुमो की केंद्रीय सदस्य हैं, उनका कहना कि मुख्यमंत्री ने मंच से जो निशाना साधा था भाजपा पर वो उनकी मजबूरी रही है, आप क्या बोलते हैं? मैं मजबूरी नहीं मानता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात तो आपने कहा कि चुनाव का बिगुल जैसा कुछ नहीं। जब सरकार के 2 साल पूरे हुए थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मेरी मजबूरी बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो मजबूरन ये बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ये व्यवहार है जो उनको इस तरह का बयान देने के लिए या इस तरह से कटाक्ष करने के लिए वो बाध्य होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही झारखंड को लूट खसोट का एक जगह बना के रखा हुआ है। और अशोक बलाई, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, आप मौन हो गए थे ईश्वर जी, इसलिए मैं अशोक बलाई की तरफ बढ़ गया। चलिए अशोक जी, दो मिनट ईश्वर जी को समय दे, बता दें। ये तीसरा चरण है आपकी योजना, आपके द्वारा आपकी सरकार जो है, ये तीसरा चरण है जी। ये जब सरकार के 2 साल पूरे हुए थे, हेमंत सरकार के 2 साल पूरे, तो ये योजना शुरू की गई थी, तीसरा चरण है। इसमें जो भी हर एक पंचायत तक कैंप लगा करके और जितनी भी जो जनता की समस्याएं हैं जी, सरकारी अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री भी 2400 जिले जा रहे हैं, उनका पूरा प्रोग्राम निकला हुआ है और तमाम तरीके की जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनको प्रचारित किया जा रहा है। उन योजनाओं का जो यहाँ की जनता है उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को लाभ मिल रहा है कि नहीं, ईश्वर जी? नहीं, ये कांग्रेस को लाभ की क्या बात है, जनता का काम हो रहा है तो कांग्रेस का काम हो रहा है, जनता के लिए कांग्रेस करिए भैया। 70 साल में आप देख लीजिए क्या क्या बनाया कांग्रेस ने, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताइए, स्पेस है तो उसके लिए इसरो है, हवाई जहाज बनाना है, लड़ाकू जहाज बनाना तो HAL है, शिक्षा का विकास करना है तो उसके लिए अब तो सब इन्होंने चेंज कर दिया, तकनीकी शिक्षा का विकास करना है तो IIT है, प्रबंधन का विकास करना है तो IIM है, चिकित्सा का विकास करना है तो एम्स है। अब सारे लाइन अब बोलने की जरूरत नहीं, अब सबको उसको बेचा भी जा रहा है, वो एक अलग बात है। आज एक लाइन थोड़ा सा विषयांतर होकर मैं बोल देता हूं, खाद किसानों के जो काम में आने वाला खाद का दाम 3 गुना, रेलवे भाड़ा 3 गुना, टेम्पू भाड़ा 3 गुना, बस भाड़ा 3 गुना, गैस का दाम 3 गुना, ये अच्छे दिनों की सरकार है। अब हम आते हैं अपने से अपनी पुरानी बात पे कि सरकार ने बिगुल नहीं फूका है चुनाव का, और ना ही सरकार निशाना साध नहीं रही है, सरकार जनता को बता रही, कोई मजबूरी नहीं है इसमें। लोकसभा चुनाव नजदीक है ईश्वर जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये 4 साल से, ये कार्यक्रम तो 3 साल से चल रहा है ना, 2 साल से चल रहा है, ये तीसरा चरण है।
अब वो आवास योजना नया कार्यक्रम है मुझे लगता है। ये हर एक साल सरकार काम कर रही है, जहां जहां जरूरत है वहां तो करेंगे। आपके विधायक ने लोबिन हेमराम ने सवाल खड़ा कर दिया था कि जितने पहले आए हैं आवेदन उसके बारे में सरकार कोई जवाब ही नहीं देती है। आप तो विषयांतर में जा रहे हैं। नहीं, विषयांतर में नहीं जा रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास। पहले अशोक बड़ाई का रुख करते हैं। अशोक बड़ाई, आप पर भाजपा पर गंभीर आरोप लग गए हैं। भाजपा पर नीलम जी का आरोप है, लूट खसोट की सरकार चलाई है भाजपा ने। मैं यहाँ नीलम जी का और अपने कांग्रेस के सहयोगी का, हम दोनों का जवाब अलग अलग हम अपने बातों से देते हैं। हाथी उड़ाने पे बोलिएगा कुछ, चलिए ठीक है ना। हाथी वो तो क्या है वो तो बाद में बताएंगे। देखिए नीलम जी ने जो कहा कि जब जब आती है भाजपा लूट खसोट करती है, तो इनको शायद जानकारी नहीं है अपने जनरल लॉज के सुधार ले कि झारखंड अलग अलग आंदोलन का अगर बेचने वाले लोग कौन है। यही अबुआ सरकार करने वाले लोग सिब्बू सोरेन और उनके सांसद लोग जेल गए थे, झारखंड बेचने में पैसा लिए थे 3 करोड़ रुपया में। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की 1-1 रुपया में इन लोग मोल लगाए थे झारखंड अलग होने को। झारखंड अलग होने से पहले जो अबुआ सरकार का नारा देने वाले लोग आदिवासी का आंदोलन बेचने का काम किए, यहाँ के आदिवासियों महापुरुषों का सम्मान कोई लोग अपमान करने का काम किए, 1 रुपया में हर नागरिक झारखंडी नागरिक का आप लोग सम्मान बेचने का काम किए, ये लोग बात करते हैं। दूसरी बात, जब मधुकोड़ा की सरकार आई 3000 करोड़ का घोटाला किसने किया, झारखंड का माइंस खनोज, यहाँ के नागरिकों का अपना निवाला छीनने का काम किए, मधुकोड़ा घोटाला। आप बात करते हैं, फिर जब आई आपकी सरकार यूपीए गठबंधन की सरकार आई 1000 करोड़ का सिर्फ साहेबगंज में घोटाला हुआ है। नीलिमा जी आप क्या मजाक वाली बात करते हैं, राज्य की जनता देख रही है कि जब जब आपकी सरकार आती है तब तब आप लोग लूट खसोट वाला काम करते हैं और भ्रष्टाचार से संलिप्त रहते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से इन्होंने कहा कि देखिए ये तीसरा चरण था, अभिषेक जी तीसरा चरण था, ये अबुआ सरकार की जनता अपने दरबार लगा रहे हैं। मैं तो बोलना चाहूंगा कि पूरे ब्लॉक और पूरा पंचायत और ब्लॉक में बिना कट का बिना घूस का कमीशन का ना अंचल अधिकारी ना बीडीओ एक फाइल तक बागने बढ़ाते हैं और मुख्यमंत्री जी जाके बोलते हैं कि सरकार आपके पास जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले 2 बार आवेदन आया था, 2 बार लगी थी सरकार का, ये तीसरा चरण है। 2 चरण में एक बार 35 लाख आवेदन आई, दूसरा बार 55 लाख आई, टोटल 3.5 करोड़ की आबादी में 90 लाख आवेदन आई है। अभिषेक जी इनकी जो जनरल नॉलेज का आपकी बात पीआरडी का विज्ञापन है, पीआरडी का झूठ बोलते हैं। अरे मैं दिखा दूं, 3.5 करोड़ अभिषेक जी 3.5 करोड़ की आबादी में 90 लाख इसके मुख्यमंत्री जी ने पीआरडी का विज्ञापन दिया है, 90 लाख आवेदन आया है। और 90 लाख आवेदन में अभिषेक जी 2 बार की चरण में अगर 90 लाख आवेदन आया है तो उनको बताना चाहिए ना कि 90 लाख लोगों का जो आवेदन आया है उसका निष्पादन कितना किया। अरे आप झारखंड की जनता को गंभीर आरोप लगा दिया है, अशोक बड़ाई कह रहे हैं कि 2 बार के चरण में 90 लाख आवेदन आए हैं और 90 लाख आवेदन खटाई में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे योजनाओं की और योजनाओं के लिए पड़े हुए आवेदनों की। भाजपा से अशोक बड़ाइक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक बड़ाइक का कहना है कि करीब 90 लाख आवेदन है जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका धरातल क्या है, जमीनी धरातल पे कहां तक पहुंचे हैं ये आवेदन, ये अभी तक नहीं बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। और यहां आपको एक बात और बता दूं कि झामुमो के विधायक बोरियो विधायक लोबिन हेमराम ने भी इस मामले में मोर्चा खोला हुआ है। लोबिन ने अपने आप को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि सरकार ये खुलासा ही नहीं कर रही कि पहले के पेंडिंग आवेदनों का क्या होगा। सबसे पहले रुख करते हैं नीलम जी का। नीलम जी, आपके विधायक झामुमो के विधायक लोबिन हेमराम का आरोप है कि सरकार के पास जो पेंडिंग आवेदन पड़े हुए हैं पहले से करीब करीब 90 लाख आवेदन है, उनकी सच्चाई क्या है, धरातल पर कितनी योजनाएं उतरी, विकास का कितना काम हुआ और हवा हवाई कितनी हो गई। नीलम जी, जी जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि 2021 में कम से कम हमारे 33 लाख लोगों तक ये सारी योजनाओं का लाभ मतलब उनको दिया गया और लोगों ने इनका लाभ लिया, और अभी 2022 में करीबन 55 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। ठीक है, और जहां तक इन लोगों का आवेदन आया नहीं है, लाभ मिला है, नहीं आवेदन आए हैं, आवेदन का निष्पादन कहाँ हुआ है, लाभ मिला है कहाँ मिला है, सरकार के कोई डाटा में, सरकार के फोरम में नीलम जी, ऐसा कोई डाटा सरकार के तरफ से रिलीज नहीं किया गया है जनता को बताइए। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात को पहले कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है,
मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। 2021 में जब आपकी सरकार आपके द्वार वाली कार्यक्रम जब आरंभ हुई थी उस वक्त कुछ त्रुटियां रह गई जिसके कारण 2022 में पुनः आरंभ किया गया। अब 2022 में उससे बेटर रिजल्ट मिला और ये सही है कि जो भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं उनके कुछ ढिलाई के कारण लोगों तक जिस प्रकार से योजना का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण मुख्यमंत्री को या सरकार को आरोप लगाना दोष देना कहीं से उचित नहीं होगा। ईश्वर जी नीलम जी कह रही है कि आपके राज्य में जब सरकार में झामुमो और कांग्रेस है पदाधिकारियों की ढिलाई के कारण योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। नीलम जी लौटता हूँ आपके पास, पहले ईश्वर जी का बात ले लूं, ईश्वर जी की बात रख लूं। यही कारण है मैं इससे इत्तेफाक नहीं, पहले मैं आपको अधूरा बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। बात को नीलम जी हमारे पास समय कम है, सबको अपना अपना पक्ष रखना है, हमारे पास समय कम है और सबको अपना अपना पक्ष रखना है, सबसे बात करनी है तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान देंगी। आपकी बात आपने पूरी कर दी। आपने कहा कि पदाधिकारियों की ढिलाई के कारण जो है अधिकारियों की ढिलाई के कारण जो योजना 100% धरातल पर नहीं उतर पाया है उसी को फिर से पुनः आरंभ करने के लिए ये थर्ड टर्म जो है योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज से आरंभ किया गया है ताकि अंतिम व्यक्ति तक एक एक जन जन तक उनकी योजना का लाभ मिलना चाहिए। और आपको पता होगा कि इसी के लिए कई पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, पूरे राज्य के डीसी के साथ बैठक हो चुका है कि इस बार का जो कार्यक्रम है इसमें हमारी सरकार आपकी सरकार आपके द्वार वाली जो भी कार्यक्रम है एक एक जन तक अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिले, नहीं तो अधिकारी आपकी बात समझ गए। अंतिम जन तक लाभ पहुंचे सरकार आपके द्वार का, आपका मकसद है ये, झामुमो का मकसद है ये। ईश्वर जी आपका रुख करते हैं, नीलम जी कह रही है कि पिछले दो टर्म में पदाधिकारियों की ढिलाई के कारण सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का 100% लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, अंतिम व्यक्ति तक नहीं मिल पाया, लेकिन अभी तक हमने किसी पदाधिकारी की कोई शिकायत नहीं देखी, किसी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं देखी। ईश्वर जी कैसे चला रहे सरकार, कार्यक्रम आपने बात खत्म कर ली, ईश्वर जी को पूरी कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि अधिकारी मुस्तैद नहीं थे, अधिकारियों ने काम नहीं किया। अब क्या है कि कुछ लोग छूट गए थे, मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है और भी बहुत सारे काम होते हैं, कुछ लोग छूट गए थे। अभी आपने देखा होगा कि तीसरे चरण में, अब ये बड़ी बात है, आप समझिए इस बात को कि खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर 2400 जिले में जाएंगे। और आपको एक मैं बता दूं बात कि हर एक पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है, शिविर लगाया जा रहा है और उस शिविर में जो भी क्वालिफाइड लोग है उस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो मिनिमम अर्हता रखते हैं, जिनको जरूरत है उन योजनाओं का, आवास का, जन्म प्रमाण पत्र, म्यूटेशन, फलाना ढिकाना, जितने तरह का जो भी उनका काम है, बात जल्दी पूरी करें, जल्दी पूरी करें। हाँ जी, वो सब काम के लिए हर एक पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है और उस कैंप में सारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे और उनको स्पष्ट निर्देश है कि सारे काम को ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाए। चलिए रुक करते हैं, भाजपा झामुमो और कांग्रेस ने हालांकि अच्छी बात है, इसमें भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी तो सरकार में है ना मैडम, आपकी सरकार में परेशानी है। मैं तीन लोगों का नाम लेता हूँ, आपके सरकार के प्रमुख लोग है, पहला माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, दूसरा बंधु तिर्की जी और तीसरा मैं नाम लूंगा लोबिन हेमरम जी का। मैं आपको एक एक करके सबका बयान सुनाता हूँ मैडम, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आपके सरकार का सहयोगी है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, प्रोजेक्ट भवन में जब अबुआ बीरबुआ दिसुम का उद्घाटन कर रहे थे उस दिन उपायुक्त के हाथ से वो एक दो पट्टा आदिवासियों को देने के बाद में क्या बोले थे कि हमसे अधिकारी लोग एक दो आदिवासियों को पट्टा दिलाते और बोलते हो गया है। बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील पद में है और एक अधिकारी उनको चरा रहा है, एक अधिकारी उनको गाइड कर रहा है, ये तो सोचने वाली विषय है ना कि आपको अधिकारी उपायुक्त या डिपार्टमेंट विभाग के डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको चरा रहे हैं। दूसरी बात, बंधु तिर्की जी ने अपने सरकार के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी हाल के दिनों में, आपके वो कार्यकारी अध्यक्ष है, पार्टी के सीनियर नेता है, आपके सरकार के प्रमुख दल के नेता है, उन्होंने क्या बोला था कि ब्लॉक में अंचल अधिकारी की मनमानी के कारण में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। तीसरी, लोबिन हेमरम आपके पार्टी के सीनियर विधायक है, झारखंड आंदोलनकारी है, क्या बोले थे वो कि ये सरकार नौटंकी बाजी कर रही है,
ये बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके आई, 1932 खतियान लागू करने का वादा करके आई, स्थानीय नीति 32 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति अभी तक बना नहीं पाई, ये क्या बात करते हैं साहब? ये तीन नेता तो आपके पार्टी के हैं ना, आपको आईना दिखा रहे हैं, आप हमको बोलते हैं बाबूलाल जी का काम किए हैं आपके संथाल परगना में। मैडम मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मैंने आपकी बात को नहीं काटा। संथाल परगना में जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठी, वह आदिवासी बहनों के साथ लव जिहाद के माध्यम से वह धर्मांतरण कर रहे हैं, वह मर्डर किया जा रहा है। रवि का पहाड़ी क्या मैडम? दुमका में अंकिता हत्याकांड क्या मैडम? रमेश्वर मुर्मू सिद्धो कानो मुर्मू के वंशज का हत्याकांड रामेश्वर मुर्मू क्या है मैडम? ये सब बांग्लादेश से घुसपैठी कहीं ना कहीं शामिल है। अगर बाबूलाल जी ईश्वर आपके पास, ईश्वर आप लोविन हेम्ब्रम के बारे में कुछ कहना चाहते थे, ईश्वर लोविन हेम्ब्रम के बारे में अपनी बात पूरी करें, सिर्फ लोविन हेम्ब्रम के बारे में। ईश्वर लोविन हेम्ब्रम जी बताएं, बोल रहा हूँ, देखिए बहुत सीनियर विधायक है, ठीक है जी, उनको ये था कि हमको मंत्री बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, एक मिनट मनोभाव अशोक उनको अपनी बात में नहीं है, अशोक उनको अपनी बात पूरी कर रहे थे, आप अपने मन से बोल दीजिएगा, लोविन हेम्ब्रम जी बोले हैं। नहीं सुनिए ना, ये बहुत बड़ा आरोप लोविन हेम्ब्रम पर लगा है, ईश्वर को अपनी बात अंकेश्वर जी अपनी बात अशोक आप अपनी बात बाद में रखिएगा, ईश्वर जी आप अपनी बात पूरी करें, जल्दी जल्दी करें। हेम्ब्रम जी देख लीजिए, मैं बता के लिख के देता हूँ, नीलिमा जी थोड़ा 2 मिनट संयम रखे, नीलिमा जी 2 मिनट संयम रखे। हेम्ब्रम जी को था कि मुझे मंत्री बना, मंत्री नहीं बनाया उस दिन से सरकार के विरोध में। नंबर वन, नंबर टू, आप देख लीजिएगा अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, ये बहुत बड़ी घोषणा ईश्वर आनंद ने की है। हम सीधा रुख करेंगे नीलम जी का। नीलम जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगा दिया है आपके विधायक पर, झामुमो विधायक लोविन हेम्ब्रम पर, कि लोविन हेम्ब्रम भाजपा का पट्टा पहनकर अगला चुनाव 2024 का लड़ेंगे और उनको मंत्री पद नहीं मिला, इसलिए ये सारी नौटंकी जा रही है। नीलम जी जल्दी में अपना पक्ष रखिएगा, क्या ये झामुमो विधायकों का रंग है? देखिए ये सुनिए, ये इत्मीनान रख के थोड़ी मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है? जल्दी बोलिएगा नीलिमा जी, वक्त की बहुत कमी है, समय से बढ़िया हम सब। ये इनका बयान है, ये भविष्य वक्ता अगर हो गए हैं तो इनको मुबारक हो, ठीक है? और जहां तक चुनाव की बात है, जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव आते आते कई तरह की समीकरण बनते हैं, चुनाव आते आते कई तरह का हर पार्टी में उथल पुथल होता है, तो उसको लेके इन लोग अभी से अगर इतना मतलब इसको एक इश्यू बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी झलकती है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री एक दूसरे के विचार बाबूलाल मरांडी के बारे में मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन रहे, बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के घूम रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा का एक भी सीट बचा पाना झारखंड में नामुमकिन हो जाएगा। लोविन जी बचा पाएंगे या नहीं अपनी सीट भाजपा से? और कोई दूसरी बात नहीं है। देखिए लोविन जी हो या पार्टी के अन्य कोई भी विधायक या मंत्री, नीलम जी आप विश्रांतर हो रही है, मेरी बात को आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आप मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। झामुमो विधायक पे आरोप लग गया है कि वो भाजपा का पट्टा पहनने वाले हैं, आप पहले इस पर अपना विचार दे दीजिए, आने वाले चुनाव में जो होगा वो तो आप सब कह रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये अगर भविष्य वक्ता है तो इनको मुबारक हो, हम ऐसी बात अभी से नहीं कह सकते हैं। इसका पट्टा पहनेंगे, बाबूलाल मरांडी के बारे में बात हो रही है, अशोक का एक मिनट निलम जी, अशोक का रुख करते सीधे अशोक, ईश्वर आनंद कह रहे हैं कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी के बारे में भी ये बात कही थी और बाबूलाल मरांडी ने पट्टा पहन लिया, इस बार ईश्वर आनंद ने सीधे सीधे लोविन हेम्ब्रम पर निशाना साधा है। झामुमो के संस्थापक सदस्यों में से एक है लोविन हेम्ब्रम, गुरुजी शिबू सोरेन के खासे संघर्ष के साथी हैं लोविन हेम्ब्रम, और सियासती तेज गर्मी इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि आज कांग्रेस ने यह कह दिया है कि लोविन भाजपा का पट्टा पहनकर चुनाव लड़ने वाले। अशोक
कहां तक सच्चाई है? जल्दी बात पूरी करो अशोक। ये जिस तरह से इंडिया अलायंस की जो हाल है ना, वो आज न्यूज चैनल न्यूज 11 भारत में भी आपके दर्शन भी देखने का काम कर रहे हैं। देखिए ये लोग बिना नीति सिद्धांत का सिर्फ मोदी हटाओ का नारा के साथ में ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आपका बयान ये दोनों नीलिमा जी और ईश्वर जी का बयान से साफ जाहिर हो गया। मैं विषय पे आता हूँ, आज का विषय है, हम लोग मूल विषय पे आते हैं कि संथाल परगना में जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम है। देखिए अभिषेक जी, मैं तो एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखूंगा। संथाल परगना आज के डेट में एक पॉलिटिकल हॉटकेक बना हुआ है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये हॉटकेक बना कैसे अभिषेक जी, इस पर भी हम लोग को बात करने की आवश्यकता है। संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल रही है। मैं आदिवासी समाज से आता हूँ अभिषेक जी, हमको पीड़ा है। आदिवासी समाज, संथाल पहाड़िया जनजाति समाज की बहनें का जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठी, उसको लव जिहाद के माध्यम से अभिषेक जी, 2014 में सबसे ज्यादा सीटों पर आप भाजपा थी, 7 सीटों पर भाजपा थी। अभिषेक जी मैं बता रहा हूँ अपनी बात, मेरी बात पूरा। 2014 में 7 सीटों पर भाजपा थी, 2019 में घटकर आप लोगों ने 3 सीट गंवा दिया और आप सारे ट्राइबल लीडर सीट हार गए। आखिर बात अगर आप घुसपैठियों की करते हैं तो क्या घुसपैठी वहाँ आदिवासी बन जा रहे हैं कि आपको ट्राइबल सीट हारना पड़ा? अभिषेक जी, अभिषेक जी बताए जी, अगर आप पॉलिटिकल लाइन पे बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये लोग 400 से अभी 40 पे सिमट गया है। देखिए लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, लेकिन मुद्दों की लड़ाई हम हमेशा राष्ट्रवाद, हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मुद्दा को लेकर लड़ते हैं। हम झारखंड में जिस तरह से संस्कृति का दमन हो रहा है, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, हम लोग बार बार अभिषेक जी, बाबूलाल जी बार बार मांग कर रहे हैं कि एनआरसी, मिनी एनआरसी लागू। एक बार मैं बोलना चाहता हूं, समय आगे जा रहा है अशोक जी, समय तेजी से गुजर रहा है। मैंने आपसे ये पूछा था कि भाजपा ने आदिवासी रिजर्व सीट गंवाई थी, जो आदिवासी रिजर्व सीट थी, क्या वहाँ के वोटर घुसपैठिए ज्यादा हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, आदिवासी समाज के प्रति हमारा आस्था है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को हमने गौरव दिवस घोषणा किया, हमारी आस्था से बड़ा कोई किसी राजनीतिक दल की उतनी बड़ी आस्था नहीं है। मैं चलिए आपकी आस्था को सलाम है, रुक करते ईश्वर अंका। ईश्वर जी, कांग्रेस 2014 के चुनाव के बाद 2019 में 2 सीटों की बढ़त कांग्रेस ने पाई थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वहां पर ठीक ठाक अपना दबदबा जब भी रहा था, लेकिन 2019 में कांग्रेस का वहां से सफाया हो गया था। अब जो स्थिति है संथाल परगना की, कांग्रेस के लिए कितनी अहम है संथाल? मैं पहले एक लाइन इनका जवाब दे दूं, जल्दी लाइन में जी भैया, देश के सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? अरे तो एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? फिर वही एनआरसी पर और चर्चा हम फिर करेंगे, आज आप संथाल पर बता दीजिए। बात है हाँ, रह गए संथाल के, मेरे पास देखिए, मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास उसका कोई डेटा नहीं है अभी अवेलेबल मेरे पास है, लेकिन हम लोगों के बीच में जो हम लोगों का एक जो आखिरी संदेश दीजिए जनता को जल्दी से, अभी आप अपना आज के शो का आखिरी संदेश कांग्रेस की तरफ से कि भैया आप सरकार की योजनाओं को देखिए, उसको समझिए, परखिए, उसका लाभ लीजिए और सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। नीलम जी जल्दी से अपनी बातें पूरी कीजिए, अपना संदेश जनता के लिए छोड़िए झामुमो की तरफ से। जी मैं भी जनता के झामुमो के सब तरफ से मैं जनता को यही कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर के आप लोगों के बीच आ रहे हैं, आप लोग पूरा उसका लाभ लेने का पूरा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिल पाए, क्योंकि हम लोग अभी राजनीति से काफी दूर है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि चुनाव के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी वादा किया था लोगों तक हर प्रकार का सुविधा पहुंचाने का, वो लगातार करते आ रहे हैं और मैं जनता से यही आग्रह करूंगी कि आप लोग सब मिलजुल करके इसका लाभ लीजिए ताकि हम अपने झारखंड को विकास की ओर अग्रसित कर सके। अशोक भाई, अंतिम दो टर्म पूरा हो चुका है, तीसरा टर्म सरकार आपके द्वार का भाव उनके और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आदिवास विकास यात्रा शुरू कर दी है। एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा जनता को संदेश के साथ। भाजपा मुख्यमंत्री जी घोषणावीर मुख्यमंत्री है, जिस तरह से विधानसभा के पटल पे खड़ा होकर बोलते हैं कि हम सरना कोड लागू करेंगे, बेरोजगारों को कहां की बात पूरी कर रहे हैं। 1932 बोलते हैं अभिषेक जी, घर में बच्चा जन्म लिया और उसका छठी का निमंत्रण देने चले, 1932 का आप लागू नहीं किए और खतियानी जोहार यात्रा निकाले। अरे सर झुंझुनू मैनिफेस्टो का
आज के शो का अंतिम संदेश दे दीजिए भाजपा की तरफ से दर्शकों के लिए क्या है बेवकूफ बनाने गए चार साल में जो नहीं कर पाए वो चार दिन में क्या कर पाएगा सनातन धर्म कोड लागू करेंगे करेंगे लेकिन भाजपा ने एक बात तो तय कर दिया है कि भाजपा अगर सरकार में आती है तो एनआरसी जरूर लागू करेगी भाजपा। ये बहुत गंभीर मामला है कि भाजपा एनआरसी लागू करने को लेकर गंभीर है। बहरहाल आज के शो में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने सीधे सीधे लोबिन हेमरम को निशाना बनाते हुए कह दिया कि बहुत जल्द ये भाजपा का पट्टा पहन के बोरियो तक चुनाव लड़ने वाले हैं। संथाल के गणित में बोरियो भी आता है, एक सीट वहां से भी है। अब देखना है कि भाजपा इस सीट पर काबिज होती है या झामुमो काबिज रहती है। बहरहाल कांग्रेस और झामुमो के विचार भी आपस में नहीं मिले। अशोक बराइक अपनी बातों को लेकर अपनी जगह पर अड़े हैं कि ये घोषणा वीर मुख्यमंत्री है। बहरहाल आज की चर्चा से एक बात तो साबित हो चुकी है कि संथाल झारखंड की राजनीति का बेस बनता जा रहा है। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें, चाहे राजनीतिक गणित की बात करें, संथाल बेस है जो आज साफ नजारा दिखा। मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रम लेकर लोगों के पास गए। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी विकास यात्रा के नाम पर अपना कार्यक्रम शुरू किया, बिगुल फूका गया है। देखते हैं जनता को कहां तक प्रभावित करता है। बहरहाल हम आज के शो के अपने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सभी अतिथियों का।